लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए बकरीद की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। हालांकि इसे मुस्लिम समाज नाराज हो गया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आजमी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कुर्बानी हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। आजमी की दलील है कि देवनार में रोज बकरे कत्ल हो रहे हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक रहा, फिर बकरीद की कुर्बानी के लिए परमिशन नहीं देने का औचित्य क्या है? देखिए रिपोर्ट। और कुर्बानी करना, अगर मुसलमान है तो उसको कुर्बानी करना जरूरी है। यदि ईश्वर ने इतना पैसा दिया है कि वो आदमी अपनी जिंदगी आराम से चला सकता है तो उसे कुर्बानी करना जरूरी है, फर्ज है, कंपलसरी है। और पिछले साल भी कोरोना की वजह से कुर्बानी में दिक्कत हुई, अब की बार हम इसके पहले हर साल जो भी मुख्यमंत्री रहता था वो प्रशासन को बुलाकर, सारी पार्टियों के लोगों को बुलाकर, पुलिस को बुलाकर एक मीटिंग होती थी और चर्चा होती थी कि भाई कुर्बानी कैसे की जाएगी कि नहीं की जाएगी, प्लस माइनस पे डिस्कशन होता, उसके बाद एसओपी निकाले जाते। अब की बार हमने बहुत कोशिश किया मुख्यमंत्री जी से बात करने की कि सर कुर्बानी नजदीक आ रही है, लोग किसान जानवर पालता है, पूरे भारतवर्ष का किसान यहां लाता है और इंटरनल महाराष्ट्र के किसान की हालत बहुत खराब है, ये जानवर पालते हैं इस उम्मीद से कि हम इसको बेचेंगे तो हमारी बेटी की शादी होगी, हमारे यहाँ हम जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं, बूढ़े बाप का इलाज करेंगे। परंतु मुख्यमंत्री जी मिले नहीं, कोई बात नहीं किया, एक फोन नहीं लिया, कंटेक्ट नहीं हो सका, उन्होंने एसओपी निकाला। एसओपी निकाला ये सांकेतिक कुर्बानी, ये क्या होती है? कुर्बानी करने के पहले जानवर को देखना पड़ता है, उसका कान तो कटा नहीं है, उसके टांग टूटी तो नहीं है, जानवर बिल्कुल तंदुरुस्त होगा तो ही कुर्बानी जायज होती है, वरना कुर्बानी नहीं होती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप जो है इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, एक देवनार में नहीं बल्कि 50 जगह ऐसी कमरे में छोटी छोटी बन जाना चाहिए था जहां जानवर रहते और अलग अलग जाके खरीद लेते। आज भी बसेस में लोग जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कौन सा प्रिकॉशन हो रहा है? हम थोड़े कहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरह से बंगाल में जैसा बगैर मास्क लगाए हुए लाखों लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम नहीं कह रहे कुंभ मेले की तरह से लाखों लोग, 4 लाख लोगों में 1 लाख लोगों ने धोखा सर्टिफिकेट किया, कितने साधु संत मर गए, हम ये सारी चीज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोविड का प्रिकॉशन लेते हुए भी हम अपनी कुर्बानी को इसको अंजाम दे सके, जो हमारी कुर्बानी जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन इस पर निगलेक्ट किया जा रहा है। मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि तुरंत एक मीटिंग बुलाइए, इस पर डिसीजन लीजिए। और जो बकरे थोड़ा बहुत शहर में है, पुलिस वाले हजार हजार रूपया चार्ज कर रहे हैं नाके पर, जहां पर जहां से आते हैं वहां पर पुलिस खड़ी है, पुलिस कहीं कहीं जब्त कर रही है, कहीं पैसे ले रही है। जब गणपति आती है या कोई ऐसा त्यौहार आता है, लोग ट्रक में भर भर के 100-100 लोग जाते हैं, कानून का वायलेशन होता है, लेकिन उसको आंख बंद किया जाता है, चलो भाई ठीक है त्यौहार है उनके लिए। मैं मांग करता हूं कि जब तक त्यौहार नहीं खत्म होता है, लोग बकरे गाड़ी में लाएं, कैसे भी लाएं, उनको नजरअंदाज कीजिए और हमें भी इस मुल्क में इज्जत के साथ हमारा त्यौहार मनाने दीजिए। डोमेस्टिक के लिए जो शहर में जरूरत है उसकी, वो बकरे रोज आ रहे हैं और रोज त्यौहार में कट रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बकरे क्यों नहीं? ये एक सवाल पैदा होता है कि इसमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मुस्लिम रिजर्वेशन ने कांग्रेस और एनसीपी जिसने इसको लाया था और बार बार मांग कर रही थी बीजेपी के जमाने में, अब उनकी सत्ता खुद आ गई है, अब मांग करने की जरूरत नहीं है, उनको इसको अप्रूव कर देना चाहिए, मान लेना चाहिए। परंतु अब जो है ना ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब ये सरकार कभी चली जाएगी और कोई दूसरी सरकार आएगी तो फिर मांग करना शुरू करेंगे, ये हमारे साथ खिलवाड़ और मजाक हो रहा है। मैं क्या सब जानते हैं कि जब लोग हाईकोर्ट गए कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि अभी फौरन जो है उनको एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट का अभी फैसला नहीं आया।